पहले तो आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल केरनी में। और आज तो भाई हद ही पार हो गई। रात के 11 बजे से लाइट गई हुई थी, अब जाके मैंने फोन को चार्ज किया और अब जाके वीडियो बना रहा हूँ। यार बहुत गर्मी थी रात को, और ऑलरेडी बल्कि बाहर कल को 42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था। रात को ना ऑलमोस्ट टेम्परेचर जो है बाहर का 28 और 30 तक पहुंच जाता है। जो हमारा इन्वर्टर था वो भी बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, क्योंकि ये तो यार मेरे साथ हर बार होता है कि मेरे को अगर कुछ काम करना होता है ना कुछ अड़चने बीच में आती जरूर है, जरूर आते कुछ ना कुछ अड़चने। यार अगर सारे न्यूज चैनल बंद हो जाए तो दुनिया से कितना नेगेटिविटी खत्म हो जाएगा ना, ना कोई धर्मों का डिबेट, ना नेगेटिविटी फैलाना, और ना हाँ वो आजकल इतनी फेमस वाली बात अमेरिका का दलाल भाई। भाई तो किस चीज में अपना करियर बनाना पसंद करता है? भाई मैं एक्टर बनना चाहूंगा। पर एक्टर लोग का इतना जिंदगी नहीं रहता, जब तक तुम्हारा चेहरा रहता तब तक ही पैसा मिलता है। तो मैंने कब कहा कि मैं पूरी जिंदगी एक्टर बनना चाहता हूँ? तो उसके बाद सीधा पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे? अरे पागल है क्या, तो उससे अच्छा पहले शुरू कर दे। अच्छा वो लोग करे जो एक्टर लोग ऐसे बन चुके हैं, और मैं करूँ तो ऐसा मेरे को बोल रहा है? हाँ बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर ने ना शुरू कर दिया है कि जितने भी एक्ट्रेस लोग के ब्लाउज गिरते हैं बहुत जूम जूम कर करके दिखाते हैं। अगर कहीं ये लोग तुम्हारे अगर ब्लाउज गिरते हुए का या तुम्हारी बीवी कैसे दिखाएंगे, तुम लोग बस बोलना है उस समय पर्सनल जाना नहीं। देश में इतना करप्शन हो रहा है उसका न्यूज दिखाने में तुम्हारी गांड पड़ती है, और इन लोगों की ब्लाउज गिरते हुए दिखा रहे हो। वाह बेटा। जी बाबा। इधर आइयो, मेरा ना पेट खराब है, गुप्ता जी आए हो तो उनसे बात कर, मैं इधर आता हूँ। ठीक है? ओके आप जाके आइए। अरे केरनी जी कहाँ जा रहे, 2 मिनट बैठिए ना, मजा आएगा बात करके। अरे मैं बस 2 मिनट में आया। अरे बैठो ना। टीनी जी मैं कह रहा था कि आप अपने बेटे को ना डॉक्टर बना दो, बहुत स्कोप है। मैं तो कह रहा हूँ आप ना ट्रक के नीचे आ जाओ, बहुत स्कोप है। मैं तो कह रहा हूँ पहले ना इसकी जुबान पे कंट्रोल करवा लो, वो ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा करो ना आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो, फिर तो कंट्रोल ही कंट्रोल है। तू सुधरेगा नहीं ना? कोई फायदा नहीं है, आपकी बेटी को मैं ऐसे ही पसंद हूँ। बहुत बदतमीज है तू। यही बदतमीजी तो आपकी बेटी ने पसंद की। तुम दोनों का अगर हो गया तो मैं जाके आऊँ, वॉशरूम टट्टी लगी बहुत जोर से। बेवकूफ, यही रीजन की वजह से ना मुझे अपने पड़ोसी पड़ोसी गड़ोसी उनके गांड में छोटी मोरी या बड़ी मोरी मेरे को इसलिए पसंद नहीं है। पहले बोलो कुछ बोलेंगे, फिर जब मैं उसका रिप्लाई दूंगा तो मेरे पापा मेरे को डांट देंगे कि मतलब तूने ऐसा क्यों बोला। मुझे तो अपने रिश्तेदार भी नहीं पसंद है जिन्होंने मेरे दादाजी से पैसे खा खा के अपना सारा कुछ बना लिया, और अपनी ही नजर में हमको गरीब देखते हैं। पता है हमको तो खाली कर दिए, तुम लोगों ने अपने पेट भर लिए। जिन जिन्होंने खाए हुए हैं, जो जो मेरी अगर वीडियो देखेंगे भी पता चल जाएगा, वो कार सामने आ जाएगी। जितने मुंह सुझाने सुझा लो बेटी। फाइनली अब 6 भी बज चुके हैं, कॉफी खत्म करके अब दूध भी लेने जाना पड़ेगा वरना मिलेगा नहीं। लॉकडाउन ने ना आधे से ज्यादा लोगों का ना बिजनेस ठप करके रख दिया है। तो देखा जाए तो स्कूल का जो बिजनेस करते हैं ना, स्कूल के आई कार्ड्स हो गए या डायरीज वगैरह के काम हो गए, स्कूल ड्रेसेस वगैरह होगी, इन लोगों को तो यार हमने बहुत करीब से देखा, क्योंकि हमारा तो आई कार्ड बनाने वाला काम है। इन लोगों को देखा भाई रोते नजर आए पहली बार ये बंदे जो इतने चोर में घूमते थे, इस बार बोलने लगे कि हमको स्कूल दे दो जिसकी हम चाहे छोटी सी एक टाई भी बना के दे दें। भाई क्या रोए है बंदे, पता लॉकडाउन है तो लोगों के तो खून के आंसू निकलवाए हैं बाहर। ऐसा दिन तो यार कभी ना आए दोबारा। यहाँ से ही बंदा खाली होता है और यहाँ से ही बंदा खाली हो जाता है, भर जाता है अंदर से। तो फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल केरनी को, और बने रहो मेरे चैनल के साथ। थैंक यू, बाय।